पेट में कब्ज और पेट का सही से साफ ना होना व पेट भारी रहने पर एक बार करिए इस चूर्ण का उपयोग। नमस्कार दोस्तों, अगर सुबह शौच के दौरान आपका पेट सही से साफ नहीं होता और आपको बल का प्रयोग करना पड़ता है जिससे आपके दिन भर पेट पर दर्द रहता है, तो दोस्तों आपको कब्ज की शिकायत है। कब्ज होने पर एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि कभी भी इसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कब्ज होने पर पेट दर्द, पेट में जलन, पेट भारी रहने की समस्या रहती है। लेकिन कब्ज का सीधा असर हमारे लीवर पर पड़ता है और लीवर कमज़ोर होने लगता है, जिससे कि क्या होता है, जो भोजन होता है वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, मोटापा बढ़ने लगता है और लीवर सही से काम नहीं करता, तो हमारी त्वचा और बालों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, बाल झड़ना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद में लिखा है कि अगर हमारा पेट सही है तो 46 तरह के रोग कभी छू भी नहीं सकते। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो कभी भी आप उसको नज़रअंदाज ना करें। आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसा उपाय जो आपके कब्ज और पेट में जलन और पेट भारी रहने की समस्या को दूर कर सकता है। चलिए जानते हैं इसको कैसे बनाना है। इसके लिए हमें लेना है सौंफ, अजवाइन, काला नमक और जीरा। जीरा ध्यान रखिए, जीरा सूखा हुआ होना चाहिए, जीरे में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। अगर जीरे में नमी है तो आप उसको धूप में सुखा लीजिएगा। चूर्ण को कैसे बनाना है और कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ प्रयोग करनी है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे खाली कटोरी को ले लेना है और इसमें डालेंगे अब अजवाइन। अजवाइन हमें 2 चम्मच खाली कटोरी में डालना है। अजवाइन पेट को तुरंत साफ कर देता है और गैस से होने वाले पेट दर्द में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। 2 चम्मच अजवाइन ले लेंगे और अब हम यहाँ पे डालेंगे सूखा हुआ जीरा। ध्यान रखें, जीरा में नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसी कटोरी में अजवाइन के साथ 2 चम्मच जीरा भी ऐड कर लेंगे। और अब इन अजवाइन और जीरा को हमें तवे पे अच्छी तरीके से रोस्ट करना है। इसको एकदम ब्राउन होने तक भूनना है हमें। तवा या पैन आप कुछ भी ले सकते हैं। और ये मैंने रख लिया हुआ है, इसमें अजवाइन और जीरा दोनों को डाल लेंगे और इसको अच्छे से चला के भून लेंगे। और अभी अच्छे से भून गया है, गैस को ऑफ कर देंगे, इसको कटोरी में निकाल लेंगे वापस से। और अब इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच काला नमक मिलाएंगे और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से ही। और अभी अच्छे से मिक्स कर लिया है, यहाँ पे ग्राइंडिंग जार में इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ है, चूर्ण एकदम बन के तैयार है। ये चूर्ण बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रयोग करना है हमें। इसके लिए लेना है 1 गिलास पानी। आप नॉर्मल पानी या फिर आप हल्का गुनगुना पानी भी ले सकते हैं, मगर ठंडा पानी आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। यहाँ पर हम 1 चम्मच डालेंगे क्योंकि मेरी चम्मच छोटी है। अगर आपकी चम्मच बड़ी है तो आप आधा चम्मच डालिएगा। और इसको अच्छे से एक मिनट मिक्स कर लेंगे। और अभी अच्छे से मिक्स होकर एकदम तैयार है पीने के लिए। आप इसको रात में खाना खाने के बाद पी सकते हैं या फिर आप दिन में, दोपहर में, आप जब भी खाना खाते हैं तो आप खाना खाने के बाद इसको पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रात में एक बार ही पी सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप इसको सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको फ़ायदा मिला या नहीं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।